हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1.9, ये आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर 1 के, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के। देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1.9 में, कहता है अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए इज इक्वल टू में दिस एंड क्यू बी इज इक्वल टू में दिस। मतलब क्या है, क्यू ए है 2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम और क्यू बी कितना दिया हुआ है आपको −2.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। लोकेटेड एट पॉइंट्स ए, ए के लिए दिया हुआ है 0, −15 सेंटीमीटर। ये कैसे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, जैसे आपने देखा होगा एक्स वाई और ये जेड, इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, यानी कि जेड का है ये माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ रहे हो। और जो बी वाला है ये वाला, ठीक है, ये वाला चार्ज है इस वाले पॉइंट पर लोकेटेड, और ये पॉइंट क्या है हमारा, एक्स वाई जेड, यानी कि प्लस का जेड एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर लिखोगे ना 0, 0 में प्लस का 15, तो ये जेड में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और ये वाला किस में आ रहा है, माइनस के 15, यहाँ पर एक्स वाई जेड में अगर देखोगे ऐसे 0, 0, तो मतलब क्या है, एक्चुअल में ये जेड एक्सिस पर रखे हुए हैं क्यू ए चार्ज और क्यू बी चार्ज। देखो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, इसमें मान लो ये जेड एक्सिस है और ये ओरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जेड के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये है हमारे पास कितना, माइनस का, देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्यू ए चार्ज ही है ना, क्यू ए कितना है हमारे पास, मान लो ये क्यू ए है, ये है 2.5 × 10⁻¹ कूलम, और ये किस पॉइंट पर प्लेस्ड है, ए पॉइंट पर। तो ये ए पॉइंट क्या है हमारा, ये है, ठीक है, और ये कितना है, जेड एक्सिस है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये मैंने कौन सा बनाया है, ये आपका जेड एक्सिस बनाया है, क्लियर। पहली तो ये बात है, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट को देख के आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एक्सिस है, क्योंकि तभी आप डायरेक्शन बता पाओगे, है ना, इसीलिए उसने पूछा भी है आपसे यहाँ पर, ठीक है ना, कि व्हाट आर द टोटल चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी डायरेक्शन भी आपको बतानी पड़ेगी। तो मैं ये कह रहा था आपको, तो ये है हमारे पास कौन सा, बी पॉइंट है, और बी पर कौन सा चार्ज है हमारा, ये क्यू बी है, जो कि है माइनस का 2.5 × 10⁻¹ का कूलम, ठीक है। और बी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0, 0, प्लस का 15 है, तो यहाँ पर ये प्लस का 15 सेंटीमीटर है। तो ये ओबवियस बात है, प्लस का जेड एक्सिस, ये माइनस का जेड एक्सिस। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ऐसे सीखा है हमने, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये वाला क्या होता है हमारे पास, जेड एक्सिस होता है। तो आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मान लो ये हमने ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया, ऐसे मान लो, अगर ये ए पॉइंट माना है तो ए वाला जो है हमारा वो 0, 0 −15 है, तो ये −15 सेंटीमीटर आएगा, समझ रहे हो। और बी वाला जो है पॉइंट हमारा क्यू बी वाला, अगर आप देखोगे तो प्लस का 15 है, तो ये प्लस का 15 सेंटीमीटर हो गया, ये क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं इसने, ठीक है, ये किस तरीके से हमारे 0, 0 में ये प्लस का 15 और यहाँ है 0, 0 −15। तो ये हमें पता चल रहा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा, अगर ये जीरो है, ये जीरो मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, तो जेड है सिर्फ, जेड का −15 है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें कि ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से ए से लेके बी तक का, वो कितना है, ओरिजिन से अगर आप देखोगे, इधर ये −15 चला गया और इधर ये 15 चला गया। अब डिस्टेंस माइनस में तो नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि आप ये नेगेटिव एक्सिस में हो। तो 15 ये 15 ये टोटल कितना हो गया, ये 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया, जिसको आप डाइपोल मोमेंट का डिस्टेंस बोलते हो, 2L से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, याद आया। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की अगर आप बात करो तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2L मल्टीप्लाई में क्यू, समझ रहे हो, 2L मल्टीप्लाई में क्यू होता है, याद आया कुछ या नहीं बताओ, क्लियर, ठीक है। तो 2L और ये वैक्टर इसलिए गया, वैक्टर क्वान्टिटी है, ठीक है। 2L का जो डिस्टेंस है वो कितना है, देख लो 30 सेंटीमीटर है, तो मैं 10⁻²⁰ लगाऊंगा, बिकॉज 30/100 करोगे तभी मीटर में आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 30 × 10⁻²⁰ मीटर, ठीक है। और चार्ज कितना है हमारे पास, 2.5 × 10⁻¹, एक प्लस एक माइनस है, मैग्नीट्यूड सेम है, तभी तो हमने कहा डाइपोल है ना, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2L, तो 2L इंटू में क्यू, और 2L कितना हमारा 30 है, 30 को हमने 100 से डिवाइड किया तो मीटर आया, तो 100 क्या है 10⁻², ऊपर जाके 10⁻²। तो मैं आपको यहाँ पर ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता रहा था कि कई बच्चे इसको सोचते हैं, तो इसको भी कर सकते हो, यहाँ क्या दिक्कत है। अब ए पॉइंट है, ए पर क्या है हमारा, ये प्लस का 2.5 × 10⁻¹ कूलम का चार्ज है, और बी पर कितना है, माइनस का 2.5 × 10⁻¹ का कूलम का चार्ज है। देखो बी पॉइंट यहाँ है, यहाँ भी बी पॉइंट है, यहाँ ये ए पॉइंट में है, यहाँ ए पॉइंट में है, तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जगह आपको ऐसा भी बना दिखाई देगा, ठीक है। तो बात तो यही है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया इनका 30, तो डाइपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो, 2L इंटू में क्यू, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ऐसे कर लो या सीधा ऐसे ही बना लो, बस यहाँ मेंशन कर देना जेड एक्सिस है, ये क्लियर है, ठीक है। अब ये चीज़ कर ली आपने, तो यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लो, देखो 30 × 10⁻²⁰ × 2.5 का पॉइंट हटाएंगे, 10 लगेगा नीचे, ये 10⁻¹, ये 0 से ये 0 गई, 25 × 3 = 75 और 10⁻²⁰ −7 कितना हो गया, −9,
अब ये चीज़ आपको पता है हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, जब कभी भी हम सोचते हैं कि पॉइंट कहाँ है, यहाँ होगा, है ना, जब कहीं पॉइंट नहीं है तो यहाँ है, तो यहाँ से हमें लेफ्ट जाना है, तो एक पॉइंट हम यहाँ से लेफ्ट चले गए तो 10 की पावर प्लस में 1 चलेगा। जितने पॉइंट आप लेफ्ट में जाते हो तो 10 की पावर उतनी ही प्लस में चलती है। अगर मान लो दो पॉइंट हम शिफ्ट करते इधर लेफ्ट में तो 10 की पावर प्लस का 2 आता। अभी एक ही पॉइंट शिफ्ट करा तो 10 की पावर 1 और साथ में ये 10 की पावर माइनस 9 तो है ही, तो 7.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है। और यूनिट बता दो इसके, चार्ज के क्या होते हैं कूलम और डिस्टेंस के क्या होते हैं मीटर, तो ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है कूलम मीटर। अगर सेंटीमीटर होता ना तो दोनों छोटे लिखता मैं यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, साइंटिस्ट के नाम पे है यूनिट तो कूलम सी बड़ा लिखा और मीटर नॉर्मल है तो एम छोटा है, ये पहचान है कि ये कूलम मीटर है ना कि सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट। और इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव ये है और पॉजिटिव ये है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी आपके पास, है ना। तो मतलब कैसे है, ये बी टू ए है, या फिर आप इसको बोल सकते हो अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। आपने देखा होगा बुक में लिखा हुआ है अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो वो जेड सिर्फ डिस्टिंग्विश कर रहा है क्योंकि ये हमें पता चल रहा है ना कि प्लस 15 माइनस 15 ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहा है, एक्स वाई जेड में, तो और ये जेड के नंबर हैं ये, तो वो है डायरेक्शन जेड पे ही होगी, ठीक है। तो प्रॉपर आपने लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे अलोंग बी ए और अलोंग माइनस जेड एक्सिस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि देखो ना ऐसे जा रहा है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ जा रही है डायरेक्शन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये जो पार्ट है ना, ये मैंने ये वाला सोल्व किया है अभी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वाला, ठीक है। अब टोटल चार्ज की भी बात कर रहा है वो, तो टोटल चार्ज तो आपको पता ही है क्या होता है, नेट चार्ज क्या होगा, देखो नेट स्केलर क्वांटिटी तो नॉर्मल एडिशन होगी, तो क्यू नेट जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा क्यू ए प्लस में क्यू बी। क्यू ए की वैल्यू है हमारे पास 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 प्लस में, और QB की वैल्यू है माइनस के 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 7। यहाँ पर आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नेट चार्ज निकालना है स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉर्मल एडिशन होगी। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 7 माइनस 2.5 इंटू में 10 की पावर माइनस 7, तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। और हमेशा याद रखना, नेट चार्ज अगर किसी भी डाइपोल पे पूछ ले तो वो जीरो ही होगा, बिकॉज एक प्लस में होगा हमेशा डाइपोल में और एक नेगेटिव में होगा सेम मैग्नीट्यूड का, तो उनका नेट चार्ज हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी थी। सिंपल फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, 2L इंटू में क्यू, डिस्टेंस इंटू में क्या होता है चार्ज, डिस्टेंस में इसमें हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं ये, ठीक है, लिख करते हैं डाइपोल मोमेंट में 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 2L हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा। अब कईयों को ये लगता है ये 15 ये माइनस 15 तो जीरो होना चाहिए, नहीं, माइनस यहाँ सिर्फ डिस्टेंस की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। नॉर्मली आप खुद सोचो ना यहाँ पर कितना होगा ये चार्ज, आपके बताओ चार्ज कह रहा हूँ मैं, डिस्टेंस कितना होगा, देखो इधर से 15 गए और इधर से 15 गए, तो ये टोटल अगर हम देखें तो 15 कितना होगा, 30 बनेगा ना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप मान लो ऐसे सोचो, ये सेंटर है आपका, होम है ये, ठीक है, आपका स्कूल इधर है और इधर आपका मान लो क्या है पार्क है, ऐसे समझ लो घर से, ठीक है। इधर से ये 10 है, मान लो 10 कह रहा हूँ, 2 किलोमीटर है, ठीक है, और इधर से ये स्कूल कितना है हमारा, 5 किलोमीटर है। तो आप इधर इधर इसको माइनस थोड़ी कर सकते हो। अब मैं इसको अगर डायरेक्शन वाइज बता रहा हूँ कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस बता दिया। अगर मैं टोटल डिस्टेंस देखूंगा ये, तो टोटल कितना है, 7 है ना, इधर 5 और इधर 2, कितना हो गया, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। ऐसे ही है, तो डिस्टेंस ऐसे माइनस नहीं होते, ठीक है, तो ये हमेशा ऐड ही होंगे। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। तो बहुत ईजी था ये हमारे पास, ठीक है जी। तो डाइपोल मोमेंट निकाल दिया हमने और नेट चार्ज निकाल दिया इसमें, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।